अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम लोग क्लास 7 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हम लोग लेसन नंबर 1 द लास्ट रेमनेंट होप द रसूल हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक्सरसाइज करेंगे। स्टार्ट हम लोग पेज नंबर 9 से लेंगे। पेज नंबर 9 में क्या है जी, रीड द फॉलोइंग एंड अंडरलाइन द प्रोनाउन। नीचे दिए गए लाइंस पढ़नी है और प्रोनाउन को अंडरलाइन करना है। प्रोनाउंस क्या है, सबसे पहले प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। द वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, क्योंकि नाउन की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहते हैं, प्रोनाउन। मीन्स अगर किसी गर्ल का नेम है आयशा या नीना वगैरह तो उसकी जगह हम लोग शी यूज कर सकते हैं। अगर बॉय है तो उसकी जगह ही यूज कर सकते हैं। फर्स्ट लाइन में ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डिलीवर्ड हिज लास्ट सर्मन ऑन 9th हज 10th हज। इसमें ही और इज जो है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट की जगह पे यूज किए जा सकते हैं और ऑब्जेक्ट की जगह पे। ओके, सेकंड लाइन है ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एडवाइस हिज कंपेनियंस टू डिवोट देयर लाइव्स फॉर द सर्विस ऑफ इस्लाम। इस लाइन में ही हिज देयर जो है वो प्रोनाउन, ही जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिज और देयर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। थर्ड लाइन है इफ यू वर आस्क्ड अबाउट मी व्हाट वुड यू से। इसमें यू मी और थर्ड पे है जो यू वो है प्रोनाउन है। फोर्थ लाइन पे आल प्रेज इज ड्यू टू अल्लाह सो वी प्रेज हिम, इसमें वी और हिम जो है वो प्रोनाउन है, वी सब्जेक्ट प्रोनाउन है, हिम जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। फिफ्थ लाइन है वेरली यू विल सून मीट योर लॉर्ड, इसमें यू और योर जो है वो प्रोनाउन है, जैसा कि यू जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है और योर जो है वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट आते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग द ब्लैंक्स विद इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, मींस सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है और जो ब्रैकेट्स में वर्ब दिए गए हैं उसको चूज करके। फर्स्ट लाइन है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस की। सिंपल प्रेजेंट टेंस में सिर्फ आप लोगों ने स्टूडेंट्स ये याद रखना है कि फर्स्ट फॉर्म लगेगी और फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही ऐसा इजाफा हो, ठीक है। और फर्स्ट लाइन है एवरी मैन डैश व्हाट टू डू, हर इंसान को क्या करना चाहिए, ब्रैकेट में है नाउ जानना चाहिए। अब इसके साथ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है तो इसमें हम लोग नाउ के साथ क्या लगा देंगे, एस क्या बन जाएगा, नाउ। सेकंड लाइन है ईच चाइल्ड डैश अ प्रेजेंट, ब्रैकेट में है रिसीव तो इसके साथ हम लोग एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, रिसीव्स। थर्ड लाइन है माय फादर डेली डैश मी एंड माय सिस्टर टू स्कूल, मेरे अब्बू जो है वालद को मुझे और मेरी बहन को स्कूल छोड़ने जाते हैं, ड्राइव है तो हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कर रहे हैं तो ड्राइव के साथ क्या आ जाएगा, एस। फोर्थ लाइन है द सन डैश इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मस्जिद से निकलता है तो राइज के साथ ऐसा आ जाएगा, राइजेस। फिफ्थ लाइन है नन ऑफ द स्टूडेंट्स डैश आर टिकट, किसी भी तालिबे इल्म को जो टिकट नहीं मिली तो इसलिए नन ऑफ द स्टूडेंट्स, सब स्टूडेंट्स की बात जो है वो इकट्ठे हो रही है तो इसमें क्या यूज करेंगे, हैज। नेक्स्ट बात करते हैं पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, जो है लाइंस में अगर स्मॉल वर्ड्स हैं तो उसको कैपिटल में करना है, क्वेश्चन मार्क ऐड करने हैं, एक्सक्लेमेशन साइन ऐड करने हैं। फर्स्ट लाइन है वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर जो कि फर्स्ट वर्ड है इसलिए इसका डब्ल्यू जो है वो कैपिटल आएगा और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। सेकेंड लाइन है पूरा वी हैव वॉन द मैच, पूरा का एज कैपिटल आएगा, एक्सक्लेमेशन साइन आएगा, लास्ट पे फुल स्टॉप। थर्ड लाइन इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, ये एक इट्स अ ग्रेट ट्रेजेडी, इट्स का आई कैपिटल आएगा और ट्रेजेडी के बाद फुल स्टॉप। फोर्थ लाइन लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब, लाहौर चूंकि सिटी का नेम है और फर्स्ट वर्ड है इसलिए इसका फर्स्ट लेटर एल जो है वो कैपिटल आएगा और पंजाब का पी कैपिटल लास्ट पे फुल स्टॉप। फिफ्थ लाइन है व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, फर्स्ट वर्ड है व्हाट इसलिए इसको व्हाट का डब्ल्यू कैपिटल करेंगे, लास्ट पे एक्सक्लेमेशन साइन आएगा क्योंकि किसी भी चीज़ की खूबसूरती को बयान किया गया है इसलिए लास्ट पे इसके आएगा एक्सक्लेमेशन साइन।